इतिहासक शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल पंचकूला के रामलीला ग्राउंड में होने वाला है। लगभग 1 लाख हरियाणा के नागरिक उस इतिहासक कार्यक्रम के गवाह बनने वाले हैं। हरियाणा के हर गांव से, हर बूथ से लोग आ रहे हैं और बड़े ढोल धमाके के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में, गृह मंत्री जी की उपस्थिति में, रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के लगभग सभी मुख्यमंत्री, एनडीए गठबंधन के सभी दलों के प्रमुख नेता इस कार्यक्रम में रहेंगे और एक भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में होने वाला है। जी सर, एक एनडीए की बैठक के लिए बीजेपी ने ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज भी दिया और बताया कि किस तरह से गैदरिंग एक इम्पोर्टेंट है और क्या मैसेज देना चाहिए। ऐसा कि प्रधानमंत्री जी लगातार अपनी टीम के साथ देश के विकास की चर्चा करते रहते हैं और कल एक महत्वपूर्ण दिन है और कल प्रधानमंत्री जी एनडीए के प्रमुख सभी सीएम डिप्टी सीएम के साथ भी बैठने वाले हैं। कल एक भव्य कार्यक्रम पंचकूला और चंडीगढ़ में होने वाला है और ये कार्यक्रम हरियाणा की हिस्ट्री में आज तक ऐसा शपथ ग्रहण कार्यक्रम नहीं होगा जहां लाखों लोग आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं और कहने वाले हैं कि मोदी जी लगे रहो और देश की तरक्की में काम करते रहो। ये हरियाणा का जो संदेश है, हरियाणा की विजय का संदेश बड़ा स्पष्ट है। ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 10 वर्षों में किए हुए कार्य को जनता की मोहर भी है और देश के इंस्टीट्यूशंस को, देश को, देश के सनातन को, विदेश की धरती पर अपमान करने वालों को सबक भी है कि अब भ्रष्टाचार, खर्ची पर्ची वाली पार्टियां नहीं चलेंगी, जीजा जीजी की लूट वाला ग्रोह अब नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी की टीम चलेगी और नरेंद्र मोदी जी की टीम हरियाणा की विजय उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद हरियाणा के गरीबों ने, हरियाणा के युवकों ने, महिलाओं ने, दलितों ने, अन्नदाता ने खुलकर मोदी जी को दिया है।